जीवन एक अनोखी पहेली है। जीवन वह समुद्र है जो स्वयं जल से भरा हुआ है, दूसरों की प्यास बुझा सके, जो करोड़ों जीवों को अपने आंचल में समा सके। जीवन वह पुष्प है जो स्वयं महक कर अपने पराग से इस जग उपवन को महका सके, जो कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुरा सके, जो अपने रंग बिरंगे सौंदर्य से जीवन का पाठ पढ़ा सके। जीवन वह दीपक है जो स्वयं जलकर अपने क्षेत्र में प्रकाश फैला सके। सूर्य की अरुणिमा पूर्व में छा चुकी थी। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर वन की ओर गमन कर चुके थे। प्रातःकाल की मध्यम हवाएं प्रकृति में अपना मधुर संगीत बिखेर रही थी। इधर आचार्य आनंद अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन विद्या सिखा रहे थे। सभी शिष्य आचार्य आनंद को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सहसा एक बटुक खड़ा हुआ और बोला, आचार्य, जीवन क्या है? जीवन का क्या प्रयोजन है? और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? एक साथ तीन प्रश्न सुन आचार्य अचंभित रह गए और बोले, बटुक, अभी समय हो गया है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर शाम को दूंगा। ऐसा कह आचार्य आश्रम की ओर चल दिए। मध्याकाल में भोजन कर चुकने के पश्चात सभी ब्रह्मचारियों के सहित मुकुल अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आचार्य आनंद के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आचार्य आनंद बोले, मुकुल, क्या तुम अपने प्रश्न दोहरा सकते हो? मुकुल ने अपना पहला प्रश्न दोहराया, जीवन क्या है? आचार्य आनंद ने एक लंबा श्वास लिया और बोले, चेतना ही जीवन है। मुकुल आचार्य के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। आचार्य समझाने लगे, देखो मुकुल, ईश्वर की बनी इस सृष्टि पर कई तरह के प्राणी विद्यमान हैं, उन सब में चेतना कार्यरत है, अतः वे सभी जीवन के परिचायक हैं। यह चेतना ही आत्मा है, इसलिए आत्मा है तो जीवन है और आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं। अब मुकुल ने अपने बचे हुए दोनों प्रश्न पूछे, जीवन का क्या प्रयोजन है और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? तब आचार्य आनंद बोले, मुकुल, आनंद ही जीवन का प्रयोजन है और आनंद ही जीवन का अंत है। मुकुल ने पूछा कि लेकिन वह कैसे? आचार्य आनंद ने कहा, इसलिए कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे इस प्रकृति पर जितने भी प्राणी विद्यमान हैं, क्या वह दुख और अभाव में जीना चाहते हैं? क्या तुम दुख और अभाव में जीना चाहते हो? नहीं, क्योंकि यह आत्मा की प्रकृति नहीं है। लेकिन फिर भी मुकुल को समझ नहीं आया। आचार्य आनंद बोले, मुकुल, वन विहार का समय हो गया है, संध्या तक तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा। यह कह आचार्य सभी ब्रह्मचारियों को साथ लेकर वन की ओर चले गए। चलते चलते आचार्य एक नदी किनारे पहुँचे। नदी किनारे आचार्य ने एक आहार देखा और मुकुल को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ इस कहार से जाकर पूछो कि यह नाव क्यों चलाता है। आचार्य का आदेश पाकर मुकुल ने कहार से पूछा, आप नाव क्यों चलाते हैं? कहार ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इससे मुझे धन मिलता है और इस धन से मुझे और मेरे परिवार को खुशी मिलती है। यह बात मुकुल ने आकर आचार्य को सुना दी। पास ही एक मछुआरे को मछलियां पकड़ता देख आचार्य ने कहा, जाओ उस मछुआरे से पूछकर आओ कि वह मछलियां क्यों पकड़ता है। आचार्य का आदेश पाकर मुकुल ने मछुआरे से जाकर पूछा, आप मछलियां क्यों पकड़ते हैं? मछुआरे ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि इन मछलियों को बेचकर इनसे मैं धन कमाता हूँ तथा उस धन से अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, जिससे वह खुशी से जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। यह बात भी मुकुल ने आचार्य को आकर सुना दी। आचार्य बोले,
अब चलें आश्रम। और सभी ब्रह्मचारी आश्रम की ओर चले गए। कुछ समय पश्चात जब शाम हुई, जिज्ञासु मुकुल फिर से आचार्य आनंद के समक्ष आकर खड़ा हो गया और बोला, आचार्य मेरे प्रश्न का उत्तर। आचार्य बोले, मुझे लगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मुकुल, किंतु कब? आपने तो नहीं बताया। यह सुन आचार्य बोले, मुकुल उस कहार और मछुआरे ने जो जवाब दिया वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मुकुल को अब समझ आ गया कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन आनंद ही है। दुख, अशक्ति और अभाव से मुक्ति तथा सुख, शांति और आनंद पूर्वक जीवन जीना और दूसरों के जीवन को भी वैसा ही आनंदमय बनाने का पुरुषार्थ करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है।